वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम है, मैं उसमें डिस्कस कर देता हूँ फाइलोजेनेटिक में कि क्या होता है, कि उसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस होते हैं, ये बेसिक आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी ट्री के बारे में, जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं इवोल्यूशनरी ट्री के बारे में। ठीक है, इवोल्यूशनरी ट्री के बारे में जब बात करते हैं तो एक रूटेड होता है, एक नॉन रूटेड होता है। जब भी कोई ट्री होता है, इसका रूट होता है, तो देखना जैसे काऊ और बफेलो के बीच में जो डिस्टेंस पता करना है, तो क्या हो जाएगा, काऊ और बफेलो के बीच जाना है तो काऊ से ए से सी से बी, तो आंसर क्या आना चाहिए अगर आप बात करोगे, तो इसके पास ये है, इस रास्ते से गए, यहां से चला है, ठीक है, सी हर इस रास्ते से गए, काऊ के पास ए से बी पे पर चले आए तो ए प्लस बी, काऊ से अगर कैट के पास जाना है, काऊ से अगर कैट के पास जाना है तो ए फिर सी फिर डी फिर ई, ए सी डी ई यहां पे आ गया काऊ से कैट पे। अगर बफेलो से कैट के पास जाना है तो फिर यहां पे देखना, बफेलो से कैट पे जाना है तो बफेलो से जाओगे, इस रास्ते से जाए बी, फिर यहां से रास्ता बदला, फिर सी फिर डी फिर ई, बी सी डी ई, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो जो इवोल्यूशनरी डिस्टेंस होता है किसी भी फॉर्म में। ठीक है, सो किसी भी ट्री के बारे में एक रूट होता है, नोड होता है, ब्रांच होते हैं, लीफ टैक्सा इस पर्टिकुलर फॉर्म्स में होते हैं। रूट जो होता है वो एंसेस्टर होता है, टैक्सा या लीफ जो होता है वो टैक्सा को बताता है, नोड जो होते हैं जहां पर डाइवर्जेंस या स्पेसिएशन को बताते हैं, और ब्रांच ने जो ये बताता है कितना म्यूटेशन या कितने चेंजेस हुए हैं। ट्री जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, रूटेड एंड अनरूटेड। रूटेड एंड अनरूटेड होते हैं, रूटेड जो होते हैं स्केल्ड भी हो सकते हैं, अनस्केल्ड भी हो सकते हैं, जिसमें रूट पता हो, जिसमें कॉमन एंसेस्टर पता हो, उनको बोलते हैं रूटेड ट्री। स्केल्ड का मतलब है कि हर एक ब्रांच लेंथ में म्यूटेशंस पता हो, डाइवर्जेंस पता हो, इसको बोलते हैं फुल्ली रिजॉल्व्ड ट्री, क्योंकि हमें स्केलिंग पता होती है कितना कौन म्यूटेट हुआ है, सी इतना हुआ है, ई इतना डाइवर्ज हुआ है, डी इतना हुआ है, बी इतना हुआ है। तो हमें अगर हर एक ट्री की लेंथ पता होती है, हर एक ब्रांच की लेंथ पता होती है, तो उसको बोलते हैं स्केल्ड रूटेड ट्री। अगर मैं बात करूं तो अनस्केल्ड में देखना ए बी सी डी सब एक जगह पे आ रहे हैं, सिमेट्रिक आ रहे हैं, मतलब हम बता ही नहीं सकते किसमें कितना म्यूटेशन हुआ है, इसको बोलते हैं अनस्केल्ड रूटेड ट्री। अनरूटेड क्या होता है कि कोई रूट पता नहीं चलता, लेकिन स्केल्ड में देखिए जैसे एफ इतना इवॉल्व हुआ है, ए इतना ही इवॉल्व हुआ है, इतना है, बी इतना है, डी इतना है, सी इतना है, सब स्केल्ड है, लेंथ वेरी दिख रहा है, मतलब स्केल्ड है, फुल्ली रिजॉल्व्ड है। क्या जी, फुल्ली रिजॉल्व्ड होते हैं। अगर मैं अनस्केल्ड की बात करूं तो सब सेम होते हैं, सेम लेंथ होता है, नॉट फुल्ली रिजॉल्व्ड, सेम लेंथ होता है, तो हम यहाँ पे डिफरेंसेस या डाइवर्सिटी नहीं बता सकते। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं कि रूटेड एंड अनरूटेड ट्री कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, बेस्ट ट्री जो वो होता है जिसमें कि मिनिमम म्यूटेशन होता है, बेस्ट ट्री विल हैव द मिनिमम म्यूटेशन, बेस्ट ट्री के पास मिनिमम म्यूटेशन होता है, हैविंग द मिनिमम म्यूटेशन। ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टैक्सा, जहां पे n है नंबर ऑफ टैक्सा। अगर आपको एक छोटी सी चीज बता दूं तो कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे, नंबर ऑफ टैक्सा के हिसाब से अगर चलेंगे तो मिनिमम 3 टैक्सा के हिसाब से सॉल्व करोगे, मिनिमम 3 टैक्सा, और उसमें सिमिलरिटी उस हिसाब से आप चलते रहोगे, अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, बताऊं कैसे करना है, ठीक है। अगर आप यहां पे 2n माइनस फैक्टोरियल 3, ठीक है, अगर रूटेड और अनरूटेड के बारे में बात करते हैं, रूटेड एंड अनरूटेड, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर यहां पे 2n माइनस 3, क्या था, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसमें देखोगे तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर फॉर्मूला क्या था, 2 टू पावर n माइनस 2, 2 टू पावर n माइनस 2, n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर आप सोचो कि ये फॉर्मूला था किसके लिए, ये था रूटेड के लिए, ये फॉर्मूला था रूटेड के लिए, मैंने दोनों आपका
लिख दिया, ये फॉर्मूला था जो कि आपका रूटेड फॉर्म में था। इसमें अगर तीन टैक्सा होता, अगर तीन टैक्सा होता तो आप क्या करते, फॉर्मूला में पुट करते 2 × 3 − 3 डिवाइडेड बाई 2 × 3 − 1। 3 − 1 है, 2 है, 2 है, ठीक है, नॉट 1, 3 − 2 दैट इज वॉट एन माइनस टू, दैट इज वॉट द 3 − 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते तो ये आ जाता 3 / 2, 3 / 2 एंड 3 / 1, इस तरीके से आ जाता 6 − 3, 2 × 1, 2 आ जाता, और सॉल्व करोगे, ठीक है। सो मिनिमम टेक्सा के हिसाब से जब आप सॉल्व करने आगे जाओगे, सो इस तरीके से होगा, देखना कैसे होगा, बस समझने की कोशिश करना। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि रूटेड, रूटेड और अनरूटेड, यहां पे जब नंबर ऑफ टेक्सा जो होता है वो 4 होता है, नंबर ऑफ टेक्सा जब 4 होता है तो रूट अनरूटेड में, ठीक है, अनरूटेड में आता है 3, फिर आता है नंबर ऑफ टेक्सा जब 5 होता है तो आता है 15, ठीक है, एन जब 3 होता है तो अनरूटेड आता है 3, एन जब 4 होता है तो ये आता है 15, एन जब 5 होता है तो ये आता है 105। ये नंबर ऑफ जो होता है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 के हिसाब से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा नंबर ऑफ टेक्सा के अकॉर्डिंग। 3, 15, 105, 105 से 900 करोगे तो 945, इस तरीके से 11 का मल्टीप्लाई करते चले चले जाओगे, ट्री आपका पता चल जाएगा अपने आप। अब रूटेड जो होता है कुछ इस तरीके से चलने की कोशिश करता है, रूटेड में इस तरीके से चलेगा, वो क्या हो जाएगा जी, रूटेड में ये जो 15 था वो यहां पे आता है 15, फिर ये होता है 105, फिर ये होता है आपका 945, इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। एक स्टेप ऊपर आ जाता है रूटेड के केस में, ये आप यूज कर सकते हो रूटेड और अनरूटेड के केस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेथड्स फॉर द फाइलोजेनेटिक के लिए, मेथड जो होते हैं यूपीजीएम में मेथड होता है, यूपीजीएम में मेथड होता है फिश-मार्गोलियोस मेथड और नेबर ज्वाइनिंग मेथड, जो कि डिस्टेंस बेस्ड मेथड होते हैं, और कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स में मैक्सिमम पार्सिमोनी होता है और मैक्सिमम लाइकलीहुड होता है। ये सारी चीजें होती है यूपीजीएम में, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप, उसके लिए कई सारे मेथड्स होते हैं जो कंस्ट्रक्ट किया करने के, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग रीड आउट कर सकते हो, समझ में आ जाएगा, कुछ अगर दिक्कत होती है तो आप लोग बता देना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, देखना जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो फटाफट मैं डिस्कस करता हूं, जैसे कि क्या जो बताया गया है, ये देखिएगा, प्रोटीन सीक्वेंस मोटिफ डेटाबेस, मोटिफ या पैटर्न डेटाबेस का आंसर जो होगा वो होगा प्रोसाइट, ठीक है, स्विस TrEMBL होगा नहीं, स्विस प्रॉट होगा नहीं, PDB होगा नहीं, आंसर जो होगा वो प्रोसाइट होगा, ठीक है, आंसर बस देखने की कोशिश करना। ई वैल्यू पे पूछा गया, ब्लास्ट एल्गोरिदम पे पूछा गया है, तो ई वैल्यू इंडिकेट्स द हाई, लार्जर ई वैल्यू इंडिकेट्स हाई सिक्वेंस सिमिलरिटी, गलत है, पी स्टेटमेंट गलत है, तो पीपी हटा दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा क्यू एन आर, सीधे सीधे अगर जो मैंने बताया उसको यूज करते तो सीधा सीधा आंसर ले आते। नाउ आगे बात करता हूं मॉलिकुलर मॉडलिंग, मॉलिकुलर मैकेनिक्स में जो आंसर आता है, मॉलिकुलर मैकेनिक्स में, मॉलिकुलर मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, टॉर्सन, नॉन बॉन्डेड इंट्रैक्शन, सारी चीजें आती है जब हम मॉलिकुलर मॉडलिंग करते हैं प्रोटीन के बारे में। ये देखो ब्लास्ट के लिए क्या है, वन ऑफ द ब्लास्ट सर्च आइडेंटिफाई होमोलॉगस ऑफ द जीनोमिक डीएनए क्वेरी इन अ प्रोटीन सिक्वेंस डेटाबेस, मतलब क्वेरी डीएनए है डेटाबेस प्रोटीन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन डीएनए क्वेरी डेटाबेस है तो ब्लास्ट एक्स होगा, अभी बताया था ब्लास्ट एक्स के बारे में, ठीक है, कि ब्लास्ट एक्स हो जाएगा, उल्टा केस चलेगा। नाउ उसके बाद देखना कि ये अभी मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री में बताया था कौन सा कैरेक्टर बेस्ड है, इसमें आता है मैक्सिमम पार्सिमोनी एंड लाइक्लीहुड, आंसर क्या आ जाएगा PNR, बी आंसर, मैक्सिमम पार्सिमोनी कैरेक्टर बेस्ड डेटा जो आपका मेथड होता है। उसके बाद एब इनिशियो फाइंडिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन है जो कि गैप पेनल्टी पे क्वेश्चन है, देखना गैप पेनल्टी में यहाँ पे मैच देखोगे, मैच कितना आ रहा है, मैच आ रहा है 1, 2, 3, 4, मैच के बाद एक आ जाएगा आपका एक्सटेंशन पेनल्टी 1+1, ठीक है, ये क्या आ रहा है मैच, ठीक है, मैच आप तीन आएंगे मैच, ठीक है, सी हियर, ये मैच है, ये मैच है और ये मैच, ए और जी मैच नहीं है तो मैच होगा 3, क्योंकि ए और जी का जीरो स्कोर होगा, ए और जी का जीरो स्कोर होगा, 1/1 देखते चले जाओगे अपने आप,
कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन में अगर वन बाय वन आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ए और ए का वन, ए और जी का जीरो, टी और ई का माइनस वन, फिर उसके बाद 0.1, ठीक है, 0.1 आ जाएगा, एक्सटेंशन पे जाएगा, फिर उसके ए और ए का वन, फिर ए और सी का वन, इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी द 1.9 आएगा, ठीक है, 1.9 के आसपास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से पोजीशन में जो मैंने पैटर्न के बारे में बात बताया, पैटर्न के बेसिस पे आपका 11 हो सकता है। देखिए जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा वो इसी तरीके से आपको रखना है, 11 है, इसमें आपका क्या आ सकता है, जी आ सकता है, दैट इज व्हाट, ए जी, इसमें देखेंगे टी आएगा, इसमें आएगा सी, इसमें आएगा आपका, इसमें क्या जाना चाहिए, ए जी टी सी, इसमें आएगा ए, इसमें आएगा That is what, 6 नंबर पे आ जाना चाहिए, दैट इज सी, इसमें सब इक्वल है तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड आ सकता है, इसमें आ जाएगा टी, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो आएगा जी और आएगा सी, इसको देखोगे तो आंसर आ जाएगा बी आंसर, सिर्फ और सिर्फ वही आइट्रेशन के बेसिस पे कौन कितना ज्यादा आ रहा है। उसके बाद ये एंट्रोपी के केस पे था, क्वेश्चन पूछा गया था 2017 का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड कैन अकर इक्वल प्रोबेबिलिटी सन एंड एंट्रोपी, बताओ कितने के लिए बताना था, चार न्यूक्लियोटाइड के लिए, चार न्यूक्लियोटाइड के लिए नहीं, यानी चारों के लिए जो होगा वो आपका क्या होगा, ln2 की वैल्यू दी हुई है 0.69, ठीक है, चार न्यूक्लियोटाइड है, इसके लिए जब इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो सन एंड एंट्रोपी आपको कैलकुलेट करना है। इन्होंने फॉर्मुला दिया है ln के फॉर्म से कैलकुलेट करना है, सो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, 4e आ जाएगा, 4 ln 1 by 2 मल्टीप्लाई माइनस करके सॉल्व करना, आंसर जो आ जाएगा इसी के रेंज के बेस में आ जाएगा, ln 2 की वैल्यू 1/2 है, इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई आप करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो इज इट क्लियर? क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। गाइस, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।